नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और कौन कहां से जीत रहा है 8 सीटों पर, मायावती जी की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो बीजेपी की क्या है तैयारी, तो यहां पर सपा ने क्या कुछ आंकड़े दिए हैं, पहली सूची जारी हो चुकी है, इन 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं और कौन कहां से जीत रहा है इस पर सटीक जानकारी भी सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश उपचुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, इसके अलावा यूपी की 8 सीटों पर भी काफी कुछ निर्भय कर रहा है। इसके अलावा लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। तो सत्ता संग्राम यानी मध्य प्रदेश और अन्य बिहार विधानसभा चुनाव यानी इस वक्त चुनावों का जो है मेला लगा हुआ है, उपचुनाव हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, सबकी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे यूपी की 8 सीटों पर, एक एक सीट पर आपको ताजा आंकड़े देने वाले हैं कि किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है और कौन कहां से जीत सकता है, संपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश के लिए मायावती जी ने पूरी तैयारी कर दी है, मुस्लिम यहां पर कह सकते हैं उम्मीदवारों को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि वो चाहती है कि कहीं ना कहीं जो गढ़ है जहां चुनाव होना है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसे में ओबीसी पार्टी भी अपने यहां पर कैंडिडेट उतार देगी, इससे क्या कुछ होने वाला है इसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें फिरोजाबाद जिले से टुल्ला विधानसभा सीट खाली हुई है, उन्नाव से बंगरमाऊ, रामपुर से सुहार, बुलंदशहर जिले से बुलंदशहर सदर जो खाली सीट हुई है, जौनपुर से मलानी, कानपुर नगर से घाटमपुर और अमरोहा से नौगांव सादत और देवरिया विधानसभा सीट इस वक्त खाली हुई है। इन 8 सीट की बात की तो 8 सीटों में से 6 सीट बीजेपी के पास थी, वो 2 सीट यहां पर सपा की खाली हुई है। अब 8 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, ताजा आंकड़े निकल कर आ रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। बता दें टुल्ला बीजेपी के एसपी बघेल द्वारा त्याग पत्र के देने से खाली हुई है, जबकि 2 बंगरमाऊ असवार सीट कोर्ट के हस्तक्षेप से खाली हुई है। इसके अलावा 4 मलानी, बुलंदशहर, घाटमपुर, नौगांव सादर विधायक को के निधन के कारण खाली हुई है। अब 8 सीटों पर किसका पलड़ा किस सीट पर भारी है वो भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टुल्ला विधानसभा सीट के पिछले परिणाम और इस वक्त जो हालात हैं और इस वक्त जो ओपिनियन पोल निकला है वो क्या कुछ आंकड़े दे रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 3,26,192 जो है कुल मतदाता आते हैं, और यहाँ पर अगर बात करें तो 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, 2012 में बीएसपी का गढ़ रहा है और 2007 में यहाँ पर बीएसपी रही है। यानी टुल्ला विधानसभा सीट की अगर बात करें तो टुल्ला के लिए यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, रिजर्व सीट है, और राजीव कुमार चक को यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और इस सीट पर अगर बात करें टुंडला के लिए तो बीजेपी ने 2017 में जरूर जीती थी, लेकिन एसपी बघेल त्याग पत्र लोकसभा सीट के लिए चुन ले गए, इस कारण से सीट खाली हुई है। हालांकि बीएसपी का यहाँ पर अच्छा रोल है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बंगरमाऊ विधानसभा सीट की बात की तो 2017 में जो है सीट पर बीजेपी का पलड़ा था और 2012 में एसपी ने सीट को जीता था और 2007 में फिर बीजेपी का पलड़ा रहा था। यानी बंगरमाऊ विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन कुलदीप सेंगर के जो यहाँ पर कह सकते हैं इन पर जो केस दर्ज किया गया है उन्हें यहाँ पर उम्र कैद के लिए यहाँ पर सजा दी गई है, इस कारण से सीट खाली हुई है और इस कारण से बड़ा पलटवार देखने को मिल रहा है और बंगरमाऊ विधानसभा सीट बीजेपी से छिटक सकती है, आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सुहार विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीटों में मानी जा रही है, क्योंकि ये सीट जो है एसपी के लिए 2017 में यहाँ पर जीत दर्ज की थी तो 2012 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन सुहार विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और कह सकते हैं कि गलत जानकारी देने के मामले में सीट खाली हुई है। और यहाँ पर अगर बात करें तो मायावती जी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, यानी नगर पालिका चेयरमैन के पति सफीक अंसारी को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि बीएसपी का अब कहीं ना कहीं टक्कर एसपी के साथ होने वाली है, बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रही है, तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है और हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे रह जाए, लेकिन बीएसपी और एसपी में यहाँ पर इस सीट पर काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो बुलंदशहर के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर पर भी ताजा आंकड़े आ चुके हैं और बुलंदशहर के कुल मतदाताओं की बात करें तो 3,37,662 कुल मतदाता यहां से आते हैं और 2017 में बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की, 2012 में बीएससी का यहां पर कब्जा रहा था और 2007 में भी बीएससी का कब्जा रहा था। यानी बुलंदशहर बीएससी का गढ़ है और इस कारण से बीएससी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित कर दिया है। और यहां पर अगर बात करें तो पूर्व एमएलए के भाई हाजी यूनुस को यहां पर उम्मीदवार बनाया है, यानी बुलंदशहर पर भी काफी कुछ टक्कर है और बीजेपी से सीट जा सकती है और बीएससी ने अपना उम्मीदवार जो यहां पर उतार दिया है। यानी अब बात कर लेते हैं मलानी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि मलानी विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
फलानी की अगर बात की तो एसपी परसनाथ यादव के निधन के कारण ये खाली सीट हुई है। और इस सीट पर अगर बात की 2017 में एसपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जहां पूरे यहां पर कह सकते हैं यूपी में बीजेपी की लहर थी, लेकिन मलानी विधानसभा सीट एसपी के खाते में थी। और 2012 में भी एसपी ने जीत दर्ज की और 2007 में भी एसपी, यानी मलानी विधानसभा सीट आसानी से जो है एसपी यानी अखिलेश यादव के खाते में जाती नजर आ रही, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। घाटमपुर विधानसभा सीट की अगर आंकड़ों की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो 2012 में एसपी ने और 2007 में बीएसपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। कुल मतदाताओं की बात करें तो 3,04,897 यहां पर कुल मतदाता आते हैं। लेकिन घाटमपुर के आंकड़ों की बात करें तो कमल रानी वरुण कैबिनेट मंत्री के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है, लेकिन इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, यानी घाटमपुर सीट इस वक्त हॉट सीटों में मानी जा रही है। नौगांव विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो क्या कुछ आंकड़े हैं यहां पर, अगर बात करते हैं कुल मतदाताओं तो 2,79,052 कुल मतदाता आते हैं नौगांव के आंकड़ों की बात करें। 2017 में बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की और 2012 में एसपी ने यहां पर जीत दर्ज की, लेकिन यहां पर अगर जानकारी जो मिली है उसके अनुसार ये सीट बीएसपी ने अपना उम्मीदवार की यहां पर घोषणा कर दी है, तो यहां पर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और फुरकान अहमद को यहां पर कह सकते हैं कि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने जो आंकड़े रखे कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यहां से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि मुरादाबाद मंडल में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और नौगांव और सौर विधानसभा सीट यहां पर कह सकते हैं मुरादाबाद मंडल में आती है और यहां पर बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ था। इसके अलावा देवरिया विधानसभा सीट की बात करें तो कुल मतदाता यहां पर 3,25,849 मतदाता आते हैं। और इस सीट की अगर बात करें तो 2017 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज किया है और इस सीट पर जो है कोरोना के कारण जो है यहां पर एमएलए का निधन हुआ, इस कारण से सीट खाली हुई है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो चुनावी विश्लेषण निकल कर सामने आ रहा है, बीजेपी को 2 सीटों का और नुकसान हो सकता है, 2 सीट यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, तो यहां पर एसपी को 3 सीट मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है। 8 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव के लिए ताजा आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, इन 8 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए जो 2022 में चुनाव होना है, 403 में से 202 सीट कौन को मिल सकती है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।